हेलो, चलो गुरु विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 में हिंदी हिंदी में आपने गया महीने गया वीक में कयो पाठ चाले? तो पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। तो आपने त्या मुहावरा अने शब्दार्थ सुधी समझाई गया था। शब्दार्थ जोई लिए फरीथी एक बार। समाधि एटले के स्मारक, वफादार एटले स्वामी भक्त, बंजारा एटले के एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा के कुछ समय का ठहरा, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने चला, लूटने वाला और डाकू, मिश्री एटले के चीनी शक्कर, लौटना एटले के वापस आना, मुग्ध एटले के आसक्त मोहित, सूद एटले के व्याज, के जे आपणे कोईनी पासेथी पैसा लाया हो एनु व्याज, तो ते व्याज ने हिंदी में शू कहीशू? सूद। सब एटले के मृतदेह, गोद एटले आचल। मुहावरा, मुहावरे के देखो तो हृदय हिला देना एटले के हृदय को द्रवित करना। हवे ते માં વાક્ય બનાવવાનું કીધું હોય તો તમે વાક્ય બનાવી શકો છો કે શહીદ કો, શહીદ કી યે કહાનિયાં હમારે હૃદય હિલા દેતી, નવ દો ગ્યારહ હોના ભાગ જાના, પુલિસ કે આને સે કે પહેલે હી અપરાધી નવ દો અગિયારહ હો ગયા, માર ખા જાના નુકસાન હોના, इक्का बक्का रह जाना चकित होना, मार खा जाना एटले के नुकसान होना, सुखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़े, इक्का बक्का रह जाना एटले के चकित होना, लड़के की स्मरण शक्ति की देख कर शिक्षक इक्का बक्का रह गया, फूटी कोड़ी न होना अत्यंत गरीब होना, बहुत गरीब होना पास में पैसा न होना, लड़का मिठाई कैसे लेता उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी, आव देखा न ताव बिना सोचे समझो, काम करना सेठ जी ने आप देखा नता और गरीब किसान पर गोली चला दी, एटले के जे कूतरो सामे आवतो हतो ते तेने विचारा विना तेने लाकड़ी थी खूब ज मार मार्यो हतो, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए कोई चारा नहीं था, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, बैठे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई, कहावत अब पछताए वो क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने के से क्या फायदा, अभ्यास ना प्रश्नों हवे आपणे जोईशुं। नीचे दिए गए शब्द को प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ वह वाक्य पढ़िए। समाधि, तो समाधि के वाक्य देखे, बंजारे के उस वफादार कुत्ते को समाधि मंदिर में बनवाया, बंजारा पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते हैं? बंजारे करते थे। वफादार, वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था। सब एटले कि वह कुत्ते सब को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भोंक भोंक कर उन्हें दूर भगा देता। जमानत, तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो। सूद एटले कि ब्याज, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। गोद,
वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। हवे प्रश्न बे समाधि प्रश्नों बे उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि क्यों बनाई जाती है? तो आंसर, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। तो समाधि कोई प्रेम नहीं कि कोई नाम नहीं, सम्मान, कोई माणस नो सम्मान हुआ छे, प्रेम ने प्रकट करवा माटे समाधि बनाई जाती है। मैं आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हमें आमा कौन शीर्षक आप आपीशू? मैं इस कहानी में को शीर्षक देना चाहूँगी, जल्दबाजी का नतीजा एक बे, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत में, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तो जे मेन आप पाठ में जे हता पॉइंट्स, मेन जल्दबाजी का नतीजा परिणाम ते पॉइंट से ते एक पछी बीजे छे के अब पछताए हो तो क्या, एटले कि ज्यारे तमे कोई काम थई गया पछी तमे पछताओ छो तो तेनो कोई अर्थ नथी। एक कुत्ते को समाधि मंदिर, एक कूतरा माटे समाधि मंदिर बनावामां आव्युं ते पाटण जिल्लामां राधनपुर के तालाब ने के किनारे कूतराने कुत्ते की वफादारी कथा संसार को सुना रही है, कारण के त्या कूतरानी समाधि बनावामां आवी छे। लाखा वंजारा और उसका कुत्ता, कारण के लाखो वंजारो ते कूतराने क्या मुक्यायो हतो, शेठ ने त्या गिरवे मुक्यायो हतो, अने ते कूतरो शेठ ने त्या चोरी घर में थती हती, अने ए चोरो घर में थी जे माल सामान लईने भागी गया तो त्यारे एने पासर पासर ते पीछो करे छे, अने जे ते माल सामान होय छे ते चोरो दाटीने गया होय छे, अने ते तेना शेठ ने बतावे छे के आ अय्या माल सामान चोरोए छुपायो छे, तो त्यारे एनो वफादार मानीने એ કૂતરાનો શેઠ, કૂતરો જ્યાં શેઠને ત્યાં રહે છે તે શેઠ એ કૂતરાને તેના માલિકની પાસે એક ચિઠ્ઠી બનાવીને મોકલે છે અને કહે છે કે આજથી હું તને મુક્ત કરું છું અને તું તારા માલિકની પાસે જઈ શકે છે, એટલે એના માટે એને શીર્ષક બનાવવામાં આવ્યું છે કે લાખા બંજારા વર ઉસકા કૂતા, કારણ કે લાખા વણજારાને જ્યારે એ કૂતરો શેઠને ત્યાં ગીરવે મૂક્યો હતો તો તેનું એને ખૂબ જ દુઃખ હતું, પણ તેની પાસે પૈસા ન હતા એટલે તેને ખૂબ જીવથી પણ વાલો હતો, પણ તેને ત્યાં મૂકવો પડ્યો હતો, પણ તે એ કૂતરાને બદલામાં એ શેઠે જે પૈસા આપ્યા હતા એ પૈસામાં તો તેનો લાખો રૂપિયાનો ધંધો પણ સારો એવો વેપાર પણ તે કરતો હતો, અને જે શેઠ હતા તો શેઠને ત્યાં માલ સામાન ચોરાઈ ગયો હતો તે પણ કૂતરાએ તેને પાછો અપાયો, એટલા માટે જ કહેવાય છે કે કૂતરો એક વફાદાર પ્રાણી છે, જે તમારા ઘરમાંથી કોઈ ઘરમાં ના ઓળખતા હોય તેવું કોઈ નવું માણસ આવે તો પણ કૂતરો બસવા લાગે છે, એટલે કે કૂતરાને આપણે શું કહીશું કે વફાદાર પ્રાણી છે। શબ્દો કોશ प्रश्न त्रण जोईशु, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने हिम्मत नहीं करते, एटले के जे घर में कूतरो होय તે ઘરમાં ચોર કે કોઈ માણસ આવવા માટે પ્રયત્ન કરી શકતો નથી। યદી ચોર માલિક કા સામાન ચુરા લે જા રહે હો તો કુત્તા ઉનકા પીછા કરતા હૈ, અગર ચોરોને
कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार पाने का कहा गया है। तो कुत्रा ने एनो मालिक तेना भरोसा पर तेने चौकीदार राखे छे। अने तेना कारण ए छे के जे चोर मालिक के घर में घुसने माटे एटले के कोई मालिकना घर में माटे ए जे कूतरो ज्या चौकी करे छे ते कोईने अंदर आवा दे आवा माटेनी हिम्मत पण ना आपे। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे तो कुत्ता उनका पीछा करे। हवे ते स्वीफनो जे माल हतो तेनो पण ए चोरो पाछळ एने पीछो कर्यो अने मालने पण पाछो अपावी दीधो। माटे ज कहेवामां आवे छे के कूतरो एक वफादार प्राणी छे, तेना गुणों पण एटला सारा छे। बंजारे ने कुत्ते को आते देख सूच देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होगा। इतले करवा मांगे छे कि तमे विचार आवेला कूतरा पर जे लाकड़ीनो प्रहार करो ते करवो ना जोईए। तमे शेठने पासे मरवा गया होय तो तमने शेठ पर घरे जे एनी चिट्ठी हती ते पण तमे जोई होत, पण जे चिट्ठी पण तेने जोई नहोती। अने ज्यारे बेभान थईने नीचे पड़े छे त्यारे तेनो मालिक चिट्ठी जोवे छे त्यारे तेने खबर पड़े छे के आने तो शेठने ज मुक्त करे छे मारी पासे आवा माटे। पण ज्यारे मारी नाख्यो अने बेहोश थई गयो कूतरो एना पछी एने खबर पड़े छे अने ते खूब पछताए छे। 5 शेठने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो शेठ के यहाँ चोरों के डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भग भग कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया, सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न हो। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त किया। अबे सेठ जी बहुत खुश होता कारण के तेमनो जे सामान जतो रहो हतो ते पाछो आयो अने ते दिल खोली ने तेने मोकली दे छे तेना मालिक ने त्यां अने खूब खुश थई जाय छे अने आनंदित थई जाय छे। शब्दकोश में कम में रखिए सुंदर वापस वफादार इसीलिए आश्चर्य लुटेरा। हवे आ वाक्यने आपणे शुं करीशुं क्रममां गोठवाना छे। तमा पहेलो कयो आवशे आश्चर्य, बीजो आवशे इसीलिए, तीजो आवशे लुटेरा, चौथो शुं आवशे वफादार, पांचमो वापस अने छठो आवशे सुंदर। तो आपरे वाक्यने गोठव्या क्रममां फरीथी एकवार बोली जाऊं छूं। आश्चर्य इसीलिए लुटेरा वफादार वापस अने सुंदर। हवे आगळनो प्रश्न जोईशुं। यदि आप होते तो क्या करते बताइए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करना जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति।
लाखाने कुत्ते को बेवफा समझाकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करता? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। हमें प्रश्न 5 चाहिए। प्रश्न 5 पर राजा रानी ग्वाला ग्वाली अभिनेता अभिनेत्री रानी राजा शेरनी शेरा। हवे अहीं जे शब्द छे एने शुं करीशुं? रानी ग्वालीन अभिनेत्री राजा अने शेर એ શબ્દને નીચે લખવાના છે। એવી જ રીતે જુઓ તો સુનાર એટલે કે સોનારા, ઊંટ એટલે ઊંટી, લૂંટેરા એટલે લૂંટેરે, બંજારા એટલે બંજારી, શેઠ એટલે કે શેઠી, સુનાર એટલે કે સુનારી, ઊંટ એટલે ઊંટની, લૂંટેરા લૂંટેરી, બંજારા એટલે કે બંજારી, શેઠ એટલે શેઠાણી। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 ગાજે પરસે કહાની લખી। ચલો વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે શું કરવાનું છે? કહાનીને વાંચીને સમજીને લખવાની છે, બરાબર। એક નોકર દ્વારા હાર ચોરી કરના, શેઠ કા સભી નોકરો સે પૂછના, કિસી કા ચોરી કબૂલ ન કરના। શેઠ દ્વારા યુક્તિ કરના, પ્રત્યેક કો સાત ઇંચ કી લકડી દેના, જાદુ કી છડી હોને કી બાત કહના, દૂસરે દિન દિખાને કો કહના, ચોર કી લકડી એક ઇંચ બઢ જાયેંગી, ઘર જાકર હાર ચુરાને નોકર કા એક ઇંચ લકડી કાટના, દૂસરે દિન ચોર કા પકડા રાજાના। તો આપણે શું જોયું? કહાનીના મુદ્દા। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું કર્યું? કહાનીના મુદ્દા જોયા, હવે શું કરીશું? નીચે દીએ ગયે પ્રશ્નો કે સોરી, હવે આ કહાનીને આપણે શું કરવાની છે? ફરીથી એકવાર સમજવી પડશે। શેઠ કી ચતુરાઈ કહાનીનું શીર્ષક છે, શેઠ કી ચતુરાઈ। હવે કહાનીને હું વાંચીને તમને સમજાવું છું તો તમે નોટબુકમાં લખી દેજો, બરાબર। એ સુંદર નગર મેં માણેકચંદ નામ કા એક શેઠ રહેતા હૈ, ઉસકે ઘર મેં કઈ નોકર જાકર થે। એક દિન શેઠાણી અપના કિંમતી હાર મેજ પર હી રખ કર કિસી કામ સે ચલે ગયે। હવે શેઠને જે શેઠાણી હોય છે તે પોતાનો હાર હોય છે સોનાનો તે ટેબલ પર રાખીને ક્યાંય ચાલી જાય છે। એક નોકરને મોકા દેખા ઓર હાર ચુરા લીયા। હવે તે નોકર તે હારને જોઈ જાય છે તો તે હારને ચોરી કરે છે। શેઠાણી લોટ કર આવી તો મેજ પર હાર ન દેખ કર સન્ન રહ ગઈ। હવે તે શેઠાણી આવીને શું જોવે છે? કે પોતાનો હાર શોધવા લાગે છે તો તે હાર ટેબલ પર હોતો નથી। તે ખૂબ જ ચિંતામાં પડી જાય છે। ઉસને શેઠસે હાર કી ચોરી કી બાત કી। હવે તે શેઠને કહે છે કે મારો સોનાનો હાર જે હતો ક્યાં હતો? કે ટેબલ પર, તે હાર ઘરમાં નથી। શેઠને સભે નોકરો બોલાકર પૂછા। હવે શેઠ બધા નોકરોને બોલાવીને પૂછે છે કે પરંતુ કિસીને હાર કી ચોરી કબૂલ નહીં કી। હવે જુઓ અહીંયા શું કરે છે શેઠ? નોકરોને બોલાવે છે, નોકરો બધા એવું કહે છે કે અમે હારની ચોરી કરી નથી, તે કબૂલ કરે છે। હવે
શેઠ બુદ્ધિમાન છે, બુદ્ધિવાળા છે, તો શેઠ શું કરે છે જુઓ તેમનો ઉપાય. उन्होंने एक युक्ति की, उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, हवे ते 7 इंच की लाकड़ी आपे छे अने कहे छे, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम्हें इसे घर ले जाओ. हवे ते लाकड़ी ने घरे लई जवा माटे कहे छे, कल लाकर मुझे दिखाना, जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएंगी. हवे कहे छे कि जेने हार लई लीधो हसे तेनी लाकड़ी 1 इंच वधी जसे. बराबर, सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए. हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है इसीलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएंगी. हवे एने जे नौकर हतो एने खबर पड़ी गई कि हार तो मैं लीधो छे एटले मारी जे लाकड़ी हसे ते 1 इंच वधी जई. क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ. हवे विचारे छे कि हूँ 1 इंच लाकड़ी काटी नाखूँ तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की है कि रहेगी. ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी. हवे ते लाकड़ी ने 1 इंच काटी दे छे. दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ ने घर पहुँचे. हवे बीजा दिवसे नौकरो પોતાની લાકડી લઈને શેઠને ત્યાં પહોંચે છે. હવે શેઠને પ્રત્યેકની લાકડી દેખી, શેઠે બધાની લાકડીઓ જોવે છે. એક નોકરની લાકડી 1 ઇંચ કમ થી. હવે એક નોકરની લાકડી 1 ઇંચ ઓછી થાય છે. જરાસા धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली. सेठ ने उसने हार वापस दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया. जो ये सेठे शू करू के ते लाकड़ी में इंच ओछी हती तो एने खबर पड़ी गई कि आ चोर छे. हवे ए चोर ने धमकावे छे खूबज अने ए चोर ने पोतानी नौकरी माथी पण तेने काढ़ी मूके थे. इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा. एटले के सेठे पोतानो उपाय थी चोराई गयेलो हार ने पण ते नौकर ने पकड़ियो. बराबर, तो जो तमे चोरी करो छो तो गमे त्यारे पकड़ाई जाओ, एटले कोई दिवस चोरी करवी नहीं. हवे आगळ जोईए प्रश्नो 2. नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए. रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो रात को कुत्ता बहुत वफादार था. रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवे रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. परंतु रुपये के बदले में गिरवे रखने के તેની પાસે કશું બીજું છે નહીં, એટલે તે શું કરે છે? કૂતરાને આપે છે. તબ શેઠને બંજારેને કહા કે તુમ અપના કુતાઈ જમાનત કે રૂપ મેં રખ દો. જબ તુમ સારે પૈસે લોટા દોંગે તબ કુતા તુમ્હે વાપસ લોટા દૂંગા. ઇસ પ્રકાર શેઠને બંજારે કે આગે रकम के बदले में कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में आ जाकर सारा माल
जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जंगल बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया, सारा सामान मिल गया। सेठ ने खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। इस कहानी को क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? लाखार ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछतावा पड़ता है। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न त्रण। नीचे दिए गए वाक्य में रेखाकृत शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगी। सेठानी ने कहा, रुपया तो मैं दे दूंगी। तो सेठ छे तो त्या सेठानी आवशे। बंजारे को बहुत दुख हुआ तो बंजारे ने बदले शू आवशे? बंजारी को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़की खेल रही है तो मैदान में लड़की खेल रही है। लड़का खेल रहा है तो क्या आवश्यक? लड़की खेल रही है। नक्शे में लिंग आधारित शब्द को जोड़े मिलाए वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य नागिन, शिष्य घोड़ा, गाय बेन, बेन शिष्या, घोड़ी शिक्षी का। तो पहलो छे गाय। वाक्य प्रयोग, गाय का दूध सेहत है के लिए अच्छा है। वाक्य प्रयोग, बैल के किसान का दोस्त है। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે અહીંયા સુધી રાખીશું, બરાબર? હવે આવતા આવતા પ્રિયરમાં આપણે આગળ સમજાવીશું, બરાબર? તો આમાં લાખા વણજારાની સારી એવી જૂના જમાનાની કહાની છે, કૂતરા અને લાખા વણજારા સેફની વચ્ચે। તો વિદ્યાર્થીઓ, તમને પાઠમાં સમજ પડી ગઈ હશે અને જે તમારે રોજ ચાલે છે એ હોમવર્કમાં લખતું રહેવાનું, ઓકે?
चलो बाय, नमस्कार।